लखनऊ कैंट में बीजेपी ने लहराया परचम। सुरेश तिवारी 35,000 से ज्यादा वोटों से जीते। सपा के आशीष चतुर्वेदी कैंट में दूसरे नंबर पर रहे। लखनऊ कैंट में बसपा प्रत्याशी अरुण द्विवेदी तीसरे नंबर पर रहे। तो बीजेपी के लिए राहत की खबर, लखनऊ कैंट जो कि उनकी पहले खुद की ही सीट थी उस पर एक बार फिर से कब्जा किया है। जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद तिवारी भारी मतों से जीत चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर मौके पर, आज आपकी एक बहुमत से जीत हुई है, क्या लगता है जनता का विश्वास एक बार फिर से सुरेश चंद तिवारी पर रहा? जी, पूरे देश का ध्यान भारतीय जनता पार्टी पर है जी। हमारे नेता माननीय मोदी जी, हमारे प्रदेश के नेता माननीय योगी जी, इनके कामों का आम जनता तक, घर घर द्वार तक लाभ पहुंचा। जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही, मोदी योगी की ओर देख रही, निश्चित तौर पर जब मोदी जी जनता का काम कर रहे हैं तो जनता मोदी जी का काम कर रही है। ये बताइए सर कि अपनी जीत का क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? आपके कार्यकर्ताओं ने भी आपका बहुत साथ दिया। अगर बात करते हैं हम जनता की, तो जनता जनार्दन आपके साथ लगी रही और जनता जनार्दन ने आपको जो है जीत का ताज पहनाया है, तो किस तरह से विकास की जो है वो नदी बहेगी इस बार कैंट में? अब देश में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है जी। हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, कैंट मेरी विधानसभा है, विकास की गंगा तो बहेगी। अच्छा, एक सर आपसे बात और पूछना चाहेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी का कहना यह है कि कहीं ना कहीं से ईवीएम में सेटिंग हुई है, क्या कहेंगे सर इस पे आप? मेजर आशीष ही नहीं, उनके सबसे बड़े नेता, उनके अध्यक्ष भी यही कहते हैं, और ईश्वर उनकी मनोकामना इसी प्रकार यही रट उनको लगा रहे और वो इसी तरह लड़ते रहे, यही कामना करूंगा। जनता को क्या कहना चाहेंगे? आज आपको प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता का अभिनंदन करता हूं, और जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है। वही कैंट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के अभूतपूर्व मतदान के प्रतिशत की वजह से जीत सुनिश्चित। चलिए सुरेश चंद तिवारी जी, जीत की आपको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे साथ सुरेश चंद तिवारी जी मौजूद थे, जिनका कहना यह है कि जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। वहीं ईवीएम सेटिंग पर उनका साफ तौर पे कहना यह है कि ये तो हर कोई कहेगा क्योंकि मेरी जीत ही ऐसी हुई है। अब देखना यह है कि कैंट क्षेत्र में विकास की कितनी नदियाँ बहती हैं। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ, RRI TV लखनऊ।